रीवा जिले के कृषि उपज मंडी चाकघाट में फैली अव्यवस्थाओं पर कब तक चुप रहेंगे जिले एवं क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी। लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी मंडी में शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं दिखी हवा हवाई। बता दे कि एक ओर जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मंडी प्रांगण में लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी मंडी में आने वाले किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। क्या इसके लिए जिम्मेदार मंडी के सचिव को माना जाए अथवा किसी और की लापरवाही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वरिष्ठ अधिकारियों के आंखों में धूल झोंक कर व्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों के नाम पर यहां राशि का हो रहा दुरुपयोग? आखिर क्या वजह है कि कृषि उपज मंडी चाकघाट में विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं बनी हुई है और क्षेत्र जिले के अधिकारी जमीनी धरातल में नजर नहीं आ रहे हैं? क्या कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डाला जा रहा है पर्दा? यह जांच का विषय है।